इस बार असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बढ़कर सरगर्मियां हलका कारवान में देखी जा रही है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हलका कारवान के उम्मीदवार कौसर मोहिद्दीन अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए दिन रात कोशा है और अपने हलके के तमाम मोहल्लों में मुकामी अवाम से जबरदस्त राबते में भी है, जिसकी एक झलक आप हलका कारवान के मोहल्ले गोलकुंडा बड़ा बाजार, खाजी गली, फखरे मिल्लत नगर, सजाद कॉलोनी, सादात नगर, लक्की होटल, मोती दरवाजे के इलाके में देख सकते हैं, जहां पैदल दौरे के मौके पर मुकामी अवाम ने कौसर मोहिद्दीन और उनके कॉर्पोरेटर्स का वहलाना इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की और इन्हें कामयाब करवाने का वादा भी किया। लेकिन नाजरीन, सच्चाई ये है कि हलका कारवान को छोड़कर बाकी तमाम हलकों में अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खफा है और हर फर्द की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि जमात का मैनिफेस्टो क्या है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलकों में मंशियात का चलन आम क्यों है और गुंडाइज्म, रोडीज्म इन इलाकों में सर चढ़कर क्यों बोल रहा है, जिसके सबब अवाम इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अच्छी खासी खफा नजर आ रही है और इसका रास्त असर इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। बिलखसूस हल्का नामपल्ली और हल्का याकूतपुरा और अहमद बलाला के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त फाश का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नाजरीन, आइए देखते हैं तफसीलात और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप रहे इस इंतखाबात की तमाम सरगर्मियों से पल पल बाखबर। सलामुअलैकुम, 30 तारीख है, यहाँ से हमारा पतंग उड़ डालना है, दुआ में रखिए। अरे आप बताओ जी अम्मा, पतंग उड़ा लिया, सलाम अलैकुम, 30 तारीख से पतंग उड़ा लिया, दुआ में रखिए।